हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेके आई हूँ प्याज से बहुत ही खास रेसिपी जो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ये खाने में लाजवाब है। आज हम नहीं बनाएंगे सब्जी, आज हम प्याज से कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, कुछ दाल सब्जी। जब भी आपके कुछ खाने का मन ना करे तो इस रेसिपी को ज़रूर फ्रेंड्स एक बार ट्राई करिए। तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है प्याज को, और आपको जितना बनाना हो उसके हिसाब से आपको प्याज को ले लेना है। तो सबसे पहले तो हम प्याज का जो छिलका होता है उसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें हम कुछ कट लगाएंगे। तो जो प्याज की रेसिपी फ्रेंड्स है बहुत ही स्पेशल है, और यदि आपकी दाल सब्जी कुछ खाने का मन नहीं करता, आप भी बोर हो चुके हैं सब्जी को खाते खाते, तो एक बार इस प्याज की रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो बस थोड़ा सा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस तरह से आपको देखिए, मैं जिस तरह से इसमें कट लगा रही हूँ, प्याज को बिल्कुल अलग नहीं करना है, बस हमें दोनों साइड से इसमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस इस चीज का ध्यान रखिए कि प्याज को आपको बिल्कुल अलग नहीं करना है। इस तरह से ऐसे कमल का फूल होता है ना, इस तरह से यदि हम काटेंगे तो एकदम फ्लावर की तरह ये बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे प्याज में कट लगा लेने हैं। इसको लगाने से क्या होगा मैं ये बाद में आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं सारे प्याज में कट लगा लिया है, और हमें प्याज को बिल्कुल जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो हमें धुलना नहीं है। आप चाहें तो इसको कपड़े से पोंछ सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेसिपी बनाने वाली काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। इसके बाद आपको ले लेना हरी मिर्च, और मैंने लिए हुए हैं आम, और साथ में हम लेंगे अदरक और लहसुन। तो सबसे पहले आपको फ्रेश हरी मिर्च ले लेना है, मिर्च को धुल लेना है। धुलने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और मैंने देखिए दो आम लिए हुए हैं, तो आम का हमें छिलका निकाल लेना है, और इसको भी हमें बारीक काट करके तैयार करना है। तो अभी हम काटेंगे नहीं, अभी आपको क्या करना है देखिए, मैं सब यहाँ पे सारा जो है वीडियो में मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी, तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए हमने अदरक ले लिया था, अदरक को हमें सबसे पहले तो जो ऊपर का पार्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो इस तरह से हमें चाकू या छिलनी के हेल्प से इसको निकाल के अलग कर देना है। तो ये देखिए मैंने अदरक को बहुत ही आसानी से निकल जाता है, छिलका कोई दिक्कत नहीं आती है। और यदि हो सके तो आप इन सभी सामग्रियों को थोड़ा टाइम के लिए धूप में रख दें, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर हो वो थोड़ा सा सूख जाए। और ये देखिए मैंने फिर लहसुन ले लिया, लहसुन का भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके तैयार कर लेना है। आज ये जो मसाले हैं इसको हम पीसेंगे नहीं, आज हम इस मसाले में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए लहसुन का छिलका निकालना ज़रूरी है, तो इसको मैंने देखिए निकाल लिया है। अब हमें लेना है कुछ लाल मिर्च, तो ये मैंने लाल मिर्च 4-5 ली हुई हैं जो घर में ही सुखाई हुई थी। और इसके बाद हमें ले लेना है ये चॉपर, तो आप चाहें तो मिक्सी में कर सकते हैं, फिलहाल मैं तो कहूँगी मिक्सी में जो होता है जो बारीक पीस जाता है, तो हमें इसको बारीक नहीं पीसना है, इसको हमें बस थोड़ा थोड़ा सा ही चलाना है। तो मुझे ये चॉपर सबसे अच्छा लगा है, इससे आज मैं तो वैसे भी मिक्सी में पीस करके आपको बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं, पर मैं आज इससे दिखाऊंगी। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप सब्जियों को जो मैंने ली हुई है इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। तो मैंने अभी आम को नहीं काटा हुआ था, तो थोड़ा साथ में ही आम को काट दूंगी। यदि आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो आम को थोड़ा सा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए 2-3 ही आम लिए हुए थे, क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए। आप यदि ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप सामग्री को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने सोचा जाते जाते, क्योंकि आम का सीजन अब जाने वाला है, अब तो आम मिलने वाले नहीं, तो जाते जाते एक रेसिपी और आम की शेयर कर दूं। अभी मैंने जो आम का पिछला वीडियो डाला था, आप लोगों ने खूब ढेर सारा प्यार उसमें दिया, तो इसमें भी आप दीजिए, ताकि आगे आप लोगों की सपोर्ट से मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बना करके शेयर कर सकूं। तो इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसकी डोरी को खींचते हुए इसको हम थोड़ा सा इसको चला देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमने सारी सब्जी डाली हुई है हल्के से ये बहुत ही कतर जाएंगी, या फिर आप चाहो तो इसको मतलब चाकू से भी काट सकते हैं, तो जैसा भी आपको सही लगे उस तरह से आप काट सकते हैं। और जो बची हुई गुठलियाँ हैं आम की, इसको आपको फेंकना नहीं है, हम इस रेसिपी में इसको भी डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसकी डोरी खींचते हुए इसको धीरे धीरे इस तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये पीस चुका है, ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा ही पीस करके तैयार करना है। इसके बाद हम ले लेंगे एक कोई बर्तन, कढ़ाई ले सकते हैं, तवा ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो उसको आप ले लीजिए। तो अब हम लेंगे कुछ साबुत मसाले, तो मैंने ले ली है सौंफ, साथ में लूँगी मैं सरसों के कुछ दाने, थोड़ा सा जीरा
और मैं क्योंकि थोड़ा सा बना रही हूँ तो सबको थोड़ा थोड़ा सा ही लूँगी। यदि आप ज़्यादा सामग्री, यदि ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सामग्री को उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो साथ में हम ले लेंगे मेथी और साथ में ही हम थोड़ा सा अजवाइन और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे जरा सी कलौंजी। कलौंजी को ज़्यादा नहीं डालना है, बस कुछ ही डालेंगे हम इसमें दाने, और आप चाहें तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। तिल का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा इसमें आता है। और थोड़ी सी मैंने देखिए मेथी भी ले ली है, तो मैंने ज़्यादातर सारे मसाले जो खड़े होते हैं वो ले लिए हैं। तो धीमी आँच में इसको हमें भूंज लेना है, और मसालों में जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो ये हम गैस को बंद कर देंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसका हमें पाउडर पीस करके दरदरा सा तैयार कर लेना है। तो अब हमने क्योंकि इसमें नमक नहीं डाला हुआ था तो हम इसमें नमक डालेंगे, कुछ मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी ही इसमें हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। तो ये मसाले तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपनी इस रेसिपी को बनाने। तो अब आपको ले लेना है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें डाल देना है तेल। तो आपने यदि 250 ग्राम प्याज ली हुई है तो इसमें आपको 50 ग्राम तेल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको कोशिश करना है कि सरसों का ही ऑयल हो, क्योंकि ये रेसिपी जो बनती है सरसों के ऑयल में ही बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है, और ये राजस्थान की फेमस डिश है। तो इसको एक बार ज़रूर बना करके फ्रेंड्स देखिए। तो तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, आप चाहें तो तेल को हाफ निकाल सकते हैं और चाहे तो आप पूरे तेल में बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा भी सही लगे। तो इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, मैंने थोड़े मसाले बचा लिए थे तो वही मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं जरा से, और इसको हम धीमी आंच में ही बनाएंगे। तो अब आपको गैस को बिल्कुल तेज नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे तो मसाले आपके जल भी सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मसाले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, और साथ में हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, जो इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा देता है और देखने में ही बहुत ही सुंदर लगता है, और साथ में ही डाल देंगे हल्दी। तो मैंने ये एक चम्मच भर के हल्दी ली हुई थी, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं गैस एकदम स्लो है ताकि हमारे मसाले नहीं जलें, और हम एक चम्मच नमक डाल देंगे। इसके बाद देगी लाल मिर्च डाल देंगे आधी चम्मच, और इन मसालों को हम थोड़ा सा चला देंगे। चलाने के बाद हम डाल देंगे इसमें अपने जो हमने सब्जी पीस करके तैयार करके रखी हुई थी, आम, अदरक, लहसुन और साथ में हरी मिर्च। तो अब हम इसको थोड़ा सा चला देना है, और अब आप चाहें तो गैस को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा मीडियम करके रखा हुआ है क्योंकि हमें इसको हल्का सा पकाना है, ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मसालों को भूनना था। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और थोड़ी सी जो हमारी मिर्च है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमें इसमें चाहें तो आप नींबू का थोड़ा सा रस डाल सकते हैं, यदि आपने आम कम डाले हुए हैं तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए। इसके बाद हम डाल देंगे अपनी कटी हुई प्याज। तो प्याज को मैंने इसीलिए काटा हुआ था ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो प्याज के अंदर चला जाए। अब हमें बस इसको प्याज को हल्का सा पकने देना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए ढक दीजिए और गैस को एकदम स्लो कर दीजिए। बस एक गलती नहीं करना है, इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, आप चाहें तो थोड़ा सा गैस को ऑफ भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा ढक दीजिए ताकि प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि ये जो रेसिपी है तुरंत खाने लायक ये बन करके तैयार हो जाएगी। और यदि आप नहीं पकाना चाहते तो इस रेसिपी को बनने में कम से कम आपको 2 दिन लग जाएंगे, तभी आपकी जो प्याज होगी वो अच्छे से पक करके तैयार हो पाएगी। तो ये हमारा प्याज का अचार बन करके फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। आप भी सोच रहे हो कि इतनी देर से ये बकबक किए जा रही है, बता नहीं रही प्याज की क्या बनाई, तो अब मैं बता दूँ कि मैंने ये बनाई हुई है प्याज का बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा और बहुत ही तीखा अचार। तो इस अचार को खाने के बाद आपको कोई सब्जी, दाल, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को पराठे के साथ में ले सकते हैं, पूड़ी के साथ में, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसको बॉक्स में पैक करके ले जा सकते हैं, और इस अचार को आप जब तक चाहें तब तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। बस ध्यान रखना कि थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तभी इसको किसी कंटेनर में भर के रखें, और ऊपर से आप इसमें तेल और डाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खुशबूदार अचार बन करके तैयार हो चुका है, और इसको आप एक बार बना करके जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि हमारी चैनल पर आप नए हैं तो पुष्पा की रसोई को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरह से बना सकें। और हमारी रेसिपी के साथ आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये देखिए हमारा प्याज का ये अचार बन करके फ्रेंड्स
फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। फिलहाल मैंने तो बनाई हुई थी सब्जी, तो मैं इसको रोज डेली सब्जी के साथ में खाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड आज बाहर गए थे तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनको बना करके ये पैक कर दिया था ताकि ये रास्ते में पराठे के साथ में ले सकें। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही अच्छा प्याज का अचार बन करके तैयार हो गया है। मैंने साथ में सब्जी बनाई हुई थी जैसे कि मैंने पहले बताया है, और साथ में रोटी और साथ में सैलेड भी है। आप जिसके साथ में भी इसको खाना चाहते हैं खाइए और सभी को खिलाइए और तारीफ पाइए। तो बस चलते हैं फ्रेंड्स कल।